हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर शाह। अभी आपको तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले कमेंट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है स्केलर मैट्रिक्स यानी क्या है, सेकंड क्वेश्चन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी क्या है, और थर्ड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की थी वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में ही ये लेक्चर अटेंड कीजिएगा। अगर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले जाके मेरे फर्स्ट थ्री लेक्चर्स अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपके मार्क्स कहीं पर भी कम ना हो पाए गेट एग्जामिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एडजॉइंट किसे कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, उसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लिया ए, 3x3 मैट्रिक्स है जिसे सभी एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। कोफैक्टर ऑफ 1, 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट A1 का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, 1, 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उस फैक्टर का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो -1i+j यानी -1:1+1। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें कुछ नहीं करना है, उस कॉलम को और उस रो को नेगलेक्ट कर देना है। तो ये कॉलम को नहीं देखनी है मुझे, ये रो को नहीं देखना है मुझे, तो बाकी जो बचा हमारा उसमें से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है यानी B2 × C3 - B3 × C2। तो इसे बोलेंगे हम कोफैक्टर ऑफ 1, 1 एलिमेंट। काफी लोगों को बीच वाले कॉम्पोनेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो बीच वाला मैं एक कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ जहां पर हम कोफैक्टर निकालेंगे B2 का। सभी के कोफैक्टर अपनी जगह पर रखना है यानी A1 का कोफैक्टर जो है उसको A1 की जगह पर रखना है CF11, फिर B1 की जगह पर B1 का कोफैक्टर रखना है, C1 की जगह पर C1 का कोफैक्टर रखना है, इस तरीके से मैट्रिक्स बनाना है। अब हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है किसी किसी को कि B2 का कोफैक्टर कैसे निकाला है। तो B2 का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको वही करना है, B2 जहां पर है उस रो को निकाल दीजिए, उस कॉलम को निकाल दीजिए, यानी बचेगा क्या आपके पास? A1 C3 - A3 C1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और -1:2 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1:2 ये कौन सा कंपोनेंट है? सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है यानी A22 -1:2i+j यानी -1:2 2+2 इट मीन्स +1 ही हो जाएगा वहां पर वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि ये इसका कोफैक्टर उसका +, -+, -+, -+, -+, इस तरीके से हम लिखते हैं उसकी वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर समझ में आ चुकी होगी बात, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोफैक्टर की वैल्यू सभी रख दी, सभी की जगह पर A1 की जगह पर CF11 रख दिया, A2 की जगह पर CF21 रख दिया, A3 की जगह पर सभी के कोफैक्टर की वैल्यू रख दी, तो उसे हम बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए यानी कोफैक्टर की वैल्यू हमने रख दी है सभी मैट्रिक्स में, सभी की वैल्यू की जगह पर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसका हमें ट्रांसपोज लेना है यानी जो भी रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रो में है ना CF11, CF12, CF13, उसको मैंने क्या कर दिया? कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। उस अगर इस तरीके से हमें सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया कोफैक्टर को, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट हम ऑफ ए क्यों फाइंड आउट करते हैं? इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स की। पहले थोड़ी सी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इनवर्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है ये याद रखना बहुत जरूरी है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A^n-1। अगर आपने एडजॉइंट निकाल लिया है ए का, जनरली ऐसा तो कोई करता नहीं, बड़ी वैल्यू होती है, काफी टाइम पे क्या दिया गया होता है? एक मैट्रिक्स दिया गया होता है और उस मैट्रिक्स में एन, एन क्या है? ऑर्डर है। एन क्या है? ऑर्डर। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 क्या हुआ? उसका ऑर्डर हुआ। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 क्या हुआ? उसका ऑर्डर हुआ। तो m और n जब इक्वल होंगे तब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो m या n की वैल्यू रहेगी उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालना है।
तो इतनी लंबी प्रोसेस जितना मैंने पीछे दिखाया उतना कोई करेगा नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ एन ए निकालना है और ऊपर एन माइनस वन कर देनी है। अगर थ्री मैट्रिक्स है 3x3 का तो 3-1 कर देना है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वेयर कर दो, उसकी वैल्यू जो आएगी वही एडजॉइंट की वैल्यू रहेगी। तो कितना टाइम आपका बच जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो, एन क्या है। मगर हाँ हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में बता देता हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। अगर दो बार एडजॉइंट लिखा है, गेट वाले कभी भी सेटिस्फाइड तो होते ही नहीं है, वो लोग तो कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं। तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें डिटर्मिनेंट लगाना, यहाँ पर दो लाइंस लगा दीजिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पर एन माइनस वन था ना, तो अभी क्या हो गया, एन माइनस टू इंटू ए। आप बात समझ गए, एन माइनस टू कर दिया और इंटू ए कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर दो बार लिखा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, अभी देखिएगा ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गेट में, आपको भी लगता है ना। अगर लगता है तो थम्स अप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए क्वेश्चन को, ये टॉपिक को, ये वीडियो को। अभी तीन बार लिख लिया सपोज एडजॉइंट 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 ए, तो अभी हमें क्या करना है, माइनस यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का, सॉरी फ्रेंड्स, ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए के डिटरमिनेंट का एन माइनस वन का स्क्वेयर हो गया। वहां पर एन माइनस वन था, ए टू एन माइनस वन था सिर्फ एडजॉइंट ए के लिए, यहां पर दो बार एडजॉइंट हो गए तो एन माइनस वन का स्क्वेयर हो गया। सेम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, तो जितनी बार एडजॉइंट 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 लिखेंगे हम उतना ही एन माइनस वन की डिग्रियां बढ़ाते जाएंगे। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स की। फिर एक मैट्रिक्स है, अगर आप अपने मैट्रिक्स को, यानी हमारे मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ या यूनिट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलने वाला है, ए, अपना खुद का मैट्रिक्स। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायगोनल में अगर 1 1 1 1 1 वैल्यू है तो फिर जाने ही देना है, जो मैट्रिक्स है अपना वही मैट्रिक्स आएगा अगर उसका मल्टीप्लीकेशन है तो। और यूनिट मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, अगर उसका क्यूब कर दो, अगर उसका 3 टाइम कर दो, उसका 4 टाइम कर दो, उसका n टाइम कर दो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगी। यूनिट मैट्रिक्स यानी डायगोनल में सभी वैल्यू 1, मैट्रिक्स के डायगोनल में। अगर i का इनवर्स भी कर दो तो भी उसका यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, और उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 1 ही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टीज याद रख लो। अब बात करते हैं इनवर्स कैसे करते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स कैसे किया जाएगा। इनवर्स के लिए फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो पता ही होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालना है आपको पता है, मगर यहाँ पर ए सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट ए का जीरो हो गया, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है, देन एंड देन ए इनवर्स इज पॉसिबल। सिंगुलर क्या है वो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में लेक्चर में बता दूंगा। सिंगुलर क्या है कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, नॉन सिंगुलर क्या है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। ए इनवर्स उसी का पॉसिबल है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, अगर आप इस तरीके से करेंगे a डिवाइडेड बाय a या a इंटू ए, 1/a डिवाइड इंटू a, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। और a इंटू b इनवर्स अगर हमें करना है तो पहले हमें लिखना पड़ेगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये इसका रूल है। अगर a इंटू b इंटू c इनवर्स करना है तो हमें लिखना पड़ेगा पहले c इनवर्स, पीछे से चलेंगे c इनवर्स इंटू b इनवर्स इंटू a इनवर्स, इस तरीके से हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। और ए की हमें अगर ट्रांसपोज निकालनी है, उसका इनवर्स करना है, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये भी एक प्रॉपर्टी कि डिग्री को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फिर जाके इस लेक्चर को एंड करते हैं।
तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्लियन मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।